हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मेरी गाड़ी में डेफ का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है। ये MID पे दिखा रहा है कि 180 किलोमीटर्स बचा है सिर्फ रेंज इसमें। अगर 180 किलोमीटर्स तक मैंने गाड़ी में डेफ नहीं डलाया तो मेरी गाड़ी स्विच ऑफ हो जाएगी, इंजन उसका बंद हो जाएगा। इसे ना शुरू किया था लास्ट जब ये 600 किलोमीटर्स पे था, तब इसे इंडिकेशन दिया था, फिर 500, फिर 400, और जब से 200 किलोमीटर्स का रेंज पहुँचा है तब से रेगुलर बीप कर रहा है। आप ये बीप सुन सकते हो, मेरी वीडियो में आ रही है, पिन टिन टिन टिन। तो मैं अभी यहाँ सेंटर पे आया हूँ डेफ डलाने के लिए। जो मैंने लास्ट जो है डेफ को पूरा फ्यूल कराया था, रीफ्यूल कराया था जब मैंने सर्विस कराई थी गाड़ी की 30,000 किलोमीटर्स पर, अभी जो है 39,000 किलोमीटर्स चली हुई है, तो लगभग 600 किलोमीटर्स के आसपास चली है, जिसमें मेरी गाड़ी का पूरा डेफ रीफ्यूल होने के बाद अब आके डेफ इसका ख़त्म हुआ है। तो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि टोटल कितना कितने रुपए का डेफ डलेगा इसमें। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी में एक एडिशनल खर्चा है डीजल खर्चे के अलावा। डेफ सिर्फ इसलिए डलाया जाता है कि जो भी गाड़ी से कार्बन इमिशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, और ये बहुत इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी ये BS6 गाड़ियाँ हैं उन सब में डेफ डलाया जाता है, और जितनी भी बड़ी इंजन की गाड़ियाँ हैं, डीजल कार्स हैं, उनमें डेफ डलाना पड़ता है। ये एक एडिशनल खर्चा है डीजल खर्चे के कंपेरिजन में, एक एडिशनल ये भी खर्चा हो जाता है। तो मैं अभी डेफ लेके आता हूँ सेंटर पे जाके। मैं बाहर सर्विस सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं गाड़ी को अंदर नहीं लगाऊंगा, इसलिए क्योंकि अगर मैंने गाड़ी को अंदर लगाया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग एक घंटे के आसपास का समय ले लेंगे ये सर्विस सेंटर वाले। तो इसीलिए मैं अभी जाऊँगा डायरेक्ट। डेफ की केन आती है जो 2 लीटर 5 लीटर की पैकिंग में आती है, और शायद 10 लीटर की भी पैकिंग में आती है, अब डिपेंड करता है यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं उसको लूँगा, और फिर उसको लेने के बाद मैं डेफ को पूरा गाड़ी में बताऊँगा कि डेफ कैसे रिफ्यूल करते हैं। तो आप इस वीडियो में आगे बने रहे, मैं आपको पूरा डेफ रिफ्यूल करके बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि टोटल कितने रुपए का डेफ आया। सब लोगों को यार टेंशन है यार काम की। रिकॉर्डिंग विल स्टॉप आफ्टर कॉल करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, डेफ ऑयल पूरा फिल करा दिया है। टोटल इसमें लगभग 13 लीटर के आसपास डेफ ऑयल आया है। टैंक तो इसका 15 लीटर का है, पर वो बोल रहा था कि इसमें कुछ 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, 180 किलोमीटर की, तो उस वजह से टोटल 13 लीटर के आसपास डेफ ऑयल आया है। मैंने 15 लीटर की कैन ली थी, 5-5 लीटर की 3 कैन ली थी, जिसका टोटल खर्चा आया है 1920 रुपये। तो आप देख लीजिए 1920 रुपये में आपकी गाड़ी जो है लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास चलती है डेफ पे। तो आप अपना एवरेज निकाल सकते हैं, लगभग 25, मैं आपको चेक करके बताऊंगा लगभग कितने रुपये का होगा। 1920 रुपये का डेफ ऑयल डला है, अब लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास चलेगी दोबारा से। तो मैं बेटर ये एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा घर में एक 5 लीटर की डेफ की केन अपने पास संभाल के रखें, अपने गाड़ी में रखें या घर में रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ रिफ्यूल करा लें। क्योंकि अगर आप रिफ्यूल कराने भी आते हैं डेफ में तब भी कम से कम 1 घंटे के आसपास लग जाता है, और 1 घंटे के टाइम की कीमत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी वैल्यू होती है समय की। तो आप सिर्फ तभी सर्विस सेंटर आएँ जब आपको सर्विस करानी हो, अदरवाइज़ सिर्फ डेफ भराने के लिए सर्विस सेंटर ना आए, उसको पहले से ही लेके रखें सर्विस के टाइम पर, जब ज़रूरत पड़े तब डला लें। मेरे को लगभग 1 घंटा या 1.25 घंटा लग गया है, और काफ़ी टाइम होता है 1 घंटा 1.25 घंटा डेफ भराने में, वो भी तब जब मैंने जॉब कार्ड बनवाया और गाड़ी अंदर मैंने पार्क नहीं करी थी, मैंने सिर्फ बाहर ही डलवा लिया था। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। अगर आप लोग मेरे को मोटिवेट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा, ऑटोमोबाइल और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा।